मेरी धनो, ये टीम भद्राज, ये ऐसा ऐसा आसे आसा इस खड्ड में आते हुए, खड्ड नाला उसमें उतरते हुए और अपनी गाड़ी को यहाँ ये सीधा करेंगे। कह रहे थे बड़ी देर से यार कोई मड ट्रैक बताओ, कोई मड ट्रैक बताओ, तो मैंने मड ऑब्स्टेकल बताओ, मड ट्रैक्स बताओ, तो मैंने कहा चलो आज आपको वहीं लिए चलता हूँ। और अब भाई और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आते हुए, दोस्तों मुश्किल है, इसको आसान मत समझिए कि अगर आप सोचोगे कि ये आसान है, नहीं, ये आपके साथ इन एरियाज को करने के लिए अगर आपके साथ एक्सपर्ट्स हैं तो आप ये ट्रैक कीजिए, अदरवाइज और भी रास्ते हैं इस नदी को या इस नाले को क्रॉस करने के लिए। और ये इस क्लब के एक सीनियर राइडर, देख लीजिए ये भी दो दफ़ा सोच रहे हैं यहाँ से गाड़ी को उतारने के लिए, और इनके हमने दोनों शीशे खुलवा दिए हैं कि कम से कम हमको कोई आवाज़ देनी हो तो हम इनको आवाज़ दे के गाइड कर सकें कि राइट को जाना है या लेफ़्ट को जाना है। और ये पहला स्टेप तो इन्होंने बड़े अच्छे प्यारे तरीके से कर लिया, और दूसरे को ये अब जेट एरोप्लेन की तरह इसको क्रॉस करते हुए। भाई एक अटेम्प्ट और करते हुए देखते हैं कि इसमें क्या इनको सफलता मिलती है। कहने का मतलब है कि सिंगल अटेम्प्ट या ट्राई मार मार के गाड़ी को, क्योंकि गाड़ी के टायर यहाँ गीले हो चुके हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। फिर ये तो मानते नहीं हैं कि कहाँ से निकालें। चलो, और ये भी अब उस स्ट्रेच को कवर करेंगे। अब देखते हैं कि जिप्सी क्या रंग दिखाती है उस ट्रैक को करने के लिए जिसको अभी अभी थार ने किया है। और सबसे बड़ी बात है थार ने स्ट्रेट किया, मगर जिप्सी अभी एंगल में है, ये यहाँ पे जाके इसको सीधा करेंगे। और देखता हूँ अब इनके टायर्स गीले हो चुके हैं, देखता हूँ कि गीले टायर से, गीले टायर में क्या इफ़ेक्ट होता है सूखी चिकनी मिट्टी पे। ये चिकनी मिट्टी आप, मैं बताऊँ, इस चिकनी मिट्टी को जब हम छोटे हुआ करते थे वो एक तख्ती हुआ करती थी, तख्ती पे हम इसका लेप करते थे और फिर लिखाई करते थे, वो वाली चिकनी मिट्टी है ये। और इस पे अगर दो बूंद पानी पड़ जाए, दो तीन बूंद पानी पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है चढ़ना। और अब जिप्सी के चारों टायर गीले हैं और देखते हैं कि जिप्सी क्या रंग दिखाती है फुल पावर में। एक अटेम्प्ट जिप्सी का अब और लगेगा दोस्तों। कारण ये था कि जिप्सी के टायर गीले होने के कारण गाड़ी का मोमेंटम नहीं था। और गाड़ी को पीछे आने दो, 5-7 मिनट पीछे आने दो, और एक एक ही मोमेंटम में अगर निकाल गए तो निकाल गए, डरना मत, डरना मत, एक ही अटेम्प्ट में, बहुत बढ़िया, एक ही अटेम्प्ट में, बहुत बढ़िया। और यही तो, जब एक्सीलेटर छोड़ोगे तो यही होगा, तो वो छूट जाता है, डर लगता है, आगे दिखता नहीं है कुछ, आदमी कहाँ जाए कहाँ ना जाए,
ये बाहर खड़े होके बात करना बहुत आसान होता है, मगर जो ड्राइव कर रहा होता है उसको मालूम होता है कि उसकी विजिबिलिटी भी होनी चाहिए। और ये ऑफ रोड विजिबिलिटी की गेम है कि आपको क्या दिख रहा है और आपने कहाँ, और जितने टायर गीले करेंगे उतना गाड़ी स्लिप करेगी। तो इसलिए आप इस गाड़ी को बाहर आ जाना चाहिए, अपना थोड़ा सा टायर सुखा ले, रिवर्स से पीछे जान दे कहाँ पर कि ए बानू इन्ना आसान नहीं है ए, ओ, ओ माँ जी ने मेरी जिप्सी का ये रास्ता खराब करी गया। दोस्तों ये कुछ नहीं ऐसा, मगर ये बात ये अब एरिया हो चुका है गीला और टायर हो गए हैं गीले, और हाँ अब ये ऑफ रोड नहीं, अब ये एंटरटेन के लिए है कि क्या गीले टायर इन ट्रैक्स को कवर कर सकते हैं या नहीं, इस टाइप की कंडीशंस हो और नहीं, क्योंकि ये अब होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने जिप्सी को मैंने हाल्ट पे लगा दिया कि नहीं भैया नहीं, नहीं 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 अब वहाँ से गाड़ी उठेगी नहीं, मगर बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने गाड़ी को वेल डन ब्रदर, वेल डन वेल डन, बैक मत आने देना गाड़ी को, पीछे चट्टान है, पीछे चट्टान है। अब पत्थर लगाओ पीछे वाले, बड़ा बड़ा पत्थर कोई 5-7 किलो का कम से कम। आ जाओ ना, बैठे बैठे क्या बोल रहे? ओ बैठ के मेरा काम बैठ के है, बहुत भगाया आप लोगों ने मेरे को। और मेरे कुलीग भाई भानू अब गया हेल्प करने के लिए, अब गया वो हेल्प करने के लिए, भेजा उनको मैंने कि भानू भाई आप भानू पत्थर लगा पाए पाए 7-7 किलो दे, और ये गाड़ी स्किड होते हुए बैक आ रही है, स्किड होते हुए बैक आ रही है, स्किड होते हुए बैक आ रही है, और शायद इसका बम्पर अब नीचे पत्थर के साथ लगेगा। टायर को सीधा कर भाई मेरे, टायर को राइट हैंड पे काट, लेफ्ट हैंड पे काट, बहुत अच्छे। ये एक सुलझे हुए ड्राइवर की निशानी होती है कि अगर आप आधे रास्ते के ऊपर ना जा सको तो गाड़ी को बैक कैसे लाना, और बड़े अच्छे तरीके से भानू और मिग्रांग ने इसमें हेल्प की और गाड़ी नीचे। तो दोस्तों गाड़ी पलट भी सकती थी, ये कोई वो नहीं कि हम इसको बड़ा हल्के में लेते, इसीलिए सोचा कि गाड़ी को हम नीचे उतार ले साइड से ही उसी रास्ते से, ऐसा ना हो कि हंसी हंसी में मजाक मजाक में कोई अनहोनी हो जाती।